बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अवैस अहमद की तरफ से तमाम व्यूअर्स को एक मरतबा फिर वेलकम कहते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एसी सर्किट ड्यू टू प्योर इंडक्टेंस। हमारे पास एक ऐसी सर्किट है जिसमें एक प्योर इंडक्टेंस लगा है और एसी सोर्स लगा है, इसकी हम पहले थ्योरी देख लेंगे और उसके बाद हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें जो दिखाया गया है ये हमारे पास है एक ऐसी सर्किट है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा है। वोल्टेज सोर्स के साथ ये हमारा है एक प्योर इंडक्टर जिसको हम कहते हैं प्योर इंडक्टर, ये वाली चीज़। जैसे ही हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा। जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा और इंडक्टर के थ्रू गुजरेगा तो वहाँ पे EMF इंड्यूस होगा। जैसे ही ये EMF इंड्यूस होगा वो अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करेगा। तो इसी टर्मिनोलॉजी को लेके हम थ्योरी को देखते हैं और साथ साथ इसको डिस्कस करते जाते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्योर इंडक्टिव कॉइल। सर्किट में दिखाया गया है कि हमारे पास जो सर्किट है उसमें प्योर इंडक्टर लगा है। दूसरी बात वो कह रहा है व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड थ्रू अ प्योर इंडक्टेंस, उसके बाद हमने क्या किया है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप्लाई किया हुआ है। जैसे ही हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज सोर्स की वजह से यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। जब करंट इस कंडक्टर से गुजरेगा तो इस कंडक्टर के क्रॉस ऐसे EMF इंड्यूस होगा, फील्ड, ऐसे फील्ड इंड्यूस होगा जो इस करंट को अपोज करेगा। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, देन बी बैक EMF इज इंड्यूस ड्यू टू द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। अब ये बैक EMF जो इंड्यूस होगा इस कॉइल के अंदर वो सिर्फ इंडक्टर की वजह से होता है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि जब भी करंट किसी इंडक्टर से गुजरता है तो वहां पे EMF इंड्यूस होता है। लेकिन वो EMF जो होगी वो बैक EMF होगी, करंट की डायरेक्शन को वो अपोज करेगा। तो यहां पे लिखा गया है द बैक EMF अपोज द चेंज इन करंट थ्रू द कॉइल। तो बैक EMF जो होगा वो अपोज करेगा। उसके बाद इस सर्किट में कोई भी ओहमिक ड्रॉप नहीं आता। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा है द अप्लाइड वोल्टेज हैज टू ओवरकम द बैक EMF ओनली। हमारे पास जो अप्लाइड वोल्टेज है वो EMF को ओवरकम करने के लिए इनफ होता है। अब हम मैथमेटिकली इसकी डेरिवेशन करेंगे, जो टॉपिक हमने पढ़ा इसको मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे। इससे पहले मैं एक मरतबा आप लोगों को ओवरव्यू देना चाहूंगा। हमारे पास जो सर्किट है, सबसे पहले इसमें हमने वोल्टेज अप्लाई की है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हमने क्या किया है, अप्लाई किया है, ठीक है। जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप्लाई करने से क्या होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब ये करंट क्या होगा, ऐसे इंडक्टर से गुजरेगा। एक बात याद रखना, जब भी करंट इंडक्टर से गुजरता है तो उस इंडक्टर के अक्रॉस क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होती है। यहां पे क्या होती है, EMF प्रोड्यूस होती है, यानी बैक EMF इधर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसी चीज को हम अब ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हमने यहां पे वोल्टेज सोर्स के जरिए से वोल्टेज अप्लाई की है, तो वो वोल्टेज हमारे पास क्या है, वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, इसको मैं इक्वेशन वन दिया। इसके बाद जो वोल्टेज है वो इसके भी इक्वल है एल डी आई अवर डी टी, बैक ईएमएफ के इक्वल है। तो अब एल डी आई अवर डी टी होगा वी एम साइन ओमेगा टी। उसके बाद मैंने जस्ट डी और टी को राइट साइड पे शिफ्ट किया है। उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों साइडों में इंटीग्रेशन लेंगे। जब इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो आई इज इक्वल टू वी एम अवर ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई अवर टू। यहां पे पाई अवर टू जो है वो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस। अगर इस पूरी टर्म को साइन मेगा टी माइनस पाई बाई टू को अगर हम यूनिटी के एक बार रखें तो हमारे पास मैक्सिमम करंट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मैक्सिमम करंट, आई एम इज इक्वल टू वी एम आवर ओमेगा एल। अब इस इक्वेशन थ्री का जो रिलेशन है अगर हम इक्वेशन टू में पुट करें तो क्या होगा, इस टर्म की जगह में
आई एम पुट करेंगे। आई एम पुट करने से हमारे पास जो न्यू रिलेशन बनता है वो ये है, आई इज इक्वल टू आई एम। यहां पे आई एम जो है हमारे पास मैक्सिमम करंट है, साइन वेयर टी माइनस पाई ओवर टू। इस रिलेशन से हमें पता चला कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो लैग करती है वोल्टेज को, इट मींस वोल्टेज लीड करेगा और करंट लैग करेगी, ठीक है। और इनके दरमियान जो वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई अवर टू या 90 डिग्री का होगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। समझ आने की सूरत में हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।